शादी हर किसी की जिंदगी का सबसे खास पल होता है। इतने सारे रस्म व रिवाज जिसे कपल एक साथ मिलकर करते हैं और इस पल को कैद करने के लिए अच्छे से अच्छे फोटोग्राफर को हायर करते हैं। यही नहीं, अब तो इन दिनों प्री वेडिंग फोटोशूट भी काफ़ी प्रचलन में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी जोड़ों की यह चाहत होती है, लेकिन लगभग हर कपल्स शादी से पहले चाहते हैं कि अपने सबसे अच्छे दिनों को कैमरे में कैद कर लें, क्योंकि उन्हें पता है कि शादी के बाद ये हसीन पल नहीं आने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हो तो शादीशुदा जिंदगी का मजा आप अच्छे से उठा सकते हैं। खैर, मुद्दे से ना भटकते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप हाल फिलहाल में शादी करने वाले हैं या फिर आपके फैमिली, फ्रेंड्स या जानने वाले प्री वेडिंग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो हमारे पास उनके लिए ढेर सारे डेस्टिनेशन ऑप्शन हैं। आप सस्ते और कम समय में अपने शौक पूरे कर सकते हैं। अगर आप पहाड़ों के व्यू के साथ रोमांटिक पोज देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। अगर आप सैकड़ों फीट से गिरते झरने के पास अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं या ऐतिहासिक स्थल खंडहर के बीच अपनी एंटीक तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं और आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि आपको इसके लिए बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बिहार वासियों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ये सभी डेस्टिनेशन बिहार में ही होंगे। इस वीडियो में हम पहाड़, बांध, झरने, ऐतिहासिक स्थल का जिक्र करेंगे जहां आप आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार वो डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिल्स डेस्टिनेशन की। हिल्स यानी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो आप कैमूर की पहाड़ियों की तरफ रुख कर सकते हैं। कैमूर हिल्स की विहंगम दृश्य आपका मन मोह लेगी। आप कितने भी शर्मीले स्वभाव के हों, आप रोमांटिक हो ही जाएंगे और यहाँ आपकी कपल वाली तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत आएगी। भीम बांध सेंचुरी। प्री वेडिंग फोटोशूट के लिहाज से भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेहद ही अच्छी जगह है। अगर आप जंगल के अंदर हॉट स्प्रिंग के बैकड्रॉप पर शूट करवाना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बात करें डैम यानी बांध की, तो शूट के लिए बांध भी बेहद ही अच्छा विकल्प है। बिहार में ओढ़नी डैम, बांका, करमचट बांध, रोहतास जाकर आप फोटोशूट करवा सकते हैं, जिसमें ओढ़नी डैम आपके लिए बेस्ट विकल्प होगा। यहाँ बोट की भी सुविधा है। यहाँ आपको बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग के साथ तस्वीरें भी वैसी ही आएंगी। अब बात करेंगे झरने की। बिहार में झरने हैं जहाँ जाकर आप फोटोशूट करवा सकते हैं, जिसमें से बेस्ट डेस्टिनेशन होगा तेलहरकुंड। आजकल कपल्स फोटोशूट करवाने के लिए ये डेस्टिनेशन खूब पसंद कर रहे हैं। बिहार के ऐतिहासिक स्थल। ऐतिहासिक स्थल आपको आसपास के क्षेत्र में ही आसानी से मिल जाएंगे। बिहार में ऐतिहासिक स्थलों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट होगा शेर शाह का मकबरा। अफगान स्थापत्य कला का नमूना आपको इस मकबरे में देखने को मिलता है। अगर इसके पास फोटोग्राफी की जाए तो यहाँ आपकी कपल वाली बेहतरीन तस्वीरें आएंगी। आपने कैटरीना और विकी कौशल की शादी वाली तस्वीरें देखी होंगी तो आपको याद होगा उन्होंने शादी राजस्थान के एक फोर्ट में की थी। तो आप ऐसे लुक के लिए सासाराम के इस मकबरे में फोटोशूट करवा सकते हैं। रोहतास का किला, मधुबनी का राजनगर और नालंदा खंडहर और राजगीर का ग्लास ब्रिज भी हमारे इस लिस्ट में शामिल है। ऐसे में आप बिहार में ही बहुत सारे डेस्टिनेशन पर अपनी प्री वेडिंग शूट करवा सकते हैं। मधुबनी के राजनगर, कैमूर के करमचट डैम, तिलहर वाटरफॉल, जगदहवा वाटरफॉल के साथ साथ बांका के केमचंदन डैम, विलासी डैम, राजगीर और डुमराव के राजगढ़, डुमराव पैलेस के साथ रोहतास और राजगीर के स्पॉट पर प्री वेडिंग शूट के लिए कपल खूब जा रहे हैं। बस आप बिहार में जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से नज़दीक के डेस्टिनेशन चुनें। ऐसे में आपका वक्त भी बचेगा और आपके रुपये भी। आपको प्री वेडिंग शूट के लिए बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे विकल्प आपको बिहार में ही मिल जाएंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप कितने कम खर्चों में अच्छी से अच्छी जगह फोटोशूट करवा सकते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो चाहिए तो हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।